भाजपा इन दिनों महागठबंधन को लेकर के, खास करके नीतीश सरकार जो बिहार में है उसको लेकर के हमलावर है। भाजपा का कहना है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं चल रहा है, इसी वजह से आए दिन हत्या, बलात्कार और लूट कांड होते रहते हैं। इसको लेकर भाजपा के नेता अलग अलग बयान देते रहते हैं। इस बार बक्सर के सांसद सह केंद्रीय मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि बिहार बारूद के ढेर पर है और बिहार में अपराध है, लूट है, बलात्कार है, जिसका पलटवार करते हुए बक्सर के विधायक ने कहा है कि जब भाजपा नीतीश कुमार के साथ थी क्या उस समय अपराध नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि भाजपा जब जब सत्ता से दूर होती है तो गठबंधन को बदनाम करने की कोशिश करती है, नीतीश कुमार पर हमला करती है, लेकिन जब नीतीश कुमार के साथ होती है तो उसे जंगल राज दिखाई नहीं देता है, उससे लूट, हत्या और बलात्कार दिखाई नहीं देता है। मैं ये चीज़ जानना चाहता हूँ उनसे, क्या से 4 महीने पहले आप ही की सरकार थी, आप ही सत्ता में थे, और जब आप सत्ता में थे तो क्या उस समय जानमाल की हत्या नहीं हो रही थी, क्या रेप नहीं हो रहा था, क्या बैंक रॉबरी नहीं हो रही थी, क्या छिनैती और चोरी डकैती पर रोक लग गया था बिहार में, उस समय क्या था। आज जो सरकार चल रही है बहुत तरीके से चल रही है, और मैं बार बार कहता हूँ जब ये लोग सत्ता से बाहर जाते हैं तो इनके देह में, शरीर में खुजली होने लगती है और मुंह में कंपन होने लगता है कुछ कहने के लिए, इसीलिए ये लोग जंगल राज पार्ट 2 का की चर्चा करते हैं जो कि निराधार है। दंगा तो आपकी सरकार में होती है कह रहे हैं, दंगा का सूत्रधार कौन है तो देखिए ना, चाहे वो बिहार शरीफ का दंगा हो, चाहे वो सासाराम का दंगा हो, जवाहर प्रसाद पूर्व विधायक भाजपा के गिरफ्तार होते हैं, वहाँ बजरंग दल के कर्जकर्ता गिरफ्तार होते हैं बिहार शरीफ में, तो ये तो आपके सामने है और आप मीडिया के लोग, हमारे मीडिया के भाई ही इसको उजागर करते हैं, तो तमाम जनता और तमाम लोग जानने का काम करते हैं, तो ये तो स्पष्ट है कि इन लोगों के द्वारा ही ये साजिश रची जा रही है कि बिहार बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है, बिहार में जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है, तो क्या इनके सत्ता में बहुत शांति थी क्या, मैं तो यही जानना चाहता हूँ इनसे। मुन्ना तिवारी का साफ साफ कहना है कि भाजपा तभी आक्रामक होती है जब सरकार से और सत्ता से दूर होती है। फिलहाल भाजपा नीतीश कुमार से दूर है इसलिए हमला कर रही है। कुछ महीना पहले ये खुद सरकार में थे, उस समय इनको अपराध नहीं दिखाई देता था, लॉ एंड ऑर्डर दिखाई नहीं देता था। ये लोग का जो बयान आ रहा है इनकी विकृत मानसिकता है। जिस तरह से महागठबंधन पूरे बिहार नहीं पूरे देश में सजग और सशक्त होकर उभरने का काम कर रहा है, इन लोगों को ये लग रहा है कि आने वाले समय में सत्ता हमारे हाथ से चली जाएगी। अभी कर्नाटक का देखिए ना क्या है, कर्नाटक में क्या स्थिति भाजपा की है, 40% कमीशन खोर के नाम पर वहाँ की जनता इनको पुकार रही है, और 40% कमीशन इन लोगों के यहाँ लिया गया और दिया गया, जनता समझ चुकी है, और 2024 में इन लोगों का पूरे देश से सफाया होना तय है। बक्सर विधायक का कहना है कि कर्नाटक हारने के बाद भाजपा बौखलाई हुई है, अपनी जमीन खिसकती हुई देख करके भाजपा के नेता बौरा गए हैं और इसीलिए अनाप शनाप बयान दे रहे हैं। आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, बयानों का तीर जारी है, महागठबंधन के लोग मोदी सरकार पर हमला कर रहे हैं, वही मोदी सरकार के जो मंत्री हैं, जो नेता है, जो सांसद है, वो महागठबंधन पर हमला कर रहे हैं, विपक्ष पर हमला कर रहे हैं, और कुल मिलाकर के एक कोशिश यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा जनता को अपने पक्ष में आकर्षित किया जाए, इसी वजह से अलग अलग नेता अलग अलग तरीके से बयान दे रहे हैं। मैं बक्सर से विमल कुमार। Thank you for watching this video until it is finished.